प्रिय मित्रों नमस्कार, पुनः आपका स्वागत है कविता पाठ। इस कविता पाठ का सारे मिला के इसके 5 वो हैं, बाकी पता नहीं कहाँ के 5 हैं। पांच आपके सामने पढ़ता हूँ। तो कहता है, व्यक्तिगत प्रतिभा अहंकार। कई लोगों को जो परमात्मा ने उनको प्रतिभा दी है, लेकिन प्रतिभा का वो अहंकार के रूप में परिवर्तित हो जाए तो वो बात ठीक नहीं होती। तो उसी के बारे में मेरे पास में इस समय 5 स्टैंजा हैं, बाकी इधर उधर हो गए। मैं 5 आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला, जाड़े के दिन थे, अंगीठी ताप तेज से चमक रही थी। देखो, फिर मैं कहता हूँ, मैं क्योंकि साइंस का टीचर हूँ, साइंस का वो तो पहले दलील दिए, ध्यान देखना कभी कहाँ से कहाँ आपको लेके जाएगा। जाड़े के दिन थे, अंगीठी ताप तेज से चमक रही थी, हर कोयला लाल लाल रंग स्वरूप में टिमटिमा रहा था। यूं शामलात योगदान से दहकती अंगीठी का सुख सबको लुभा रहा था। ये कह रहा है कि एक अंगीठी में एक कोयला डाल दो, वो लाल हो जाएगा तुरंत, थोड़ी देर बाद में बुझ जाएगा और आपको कुछ नहीं दे पाएगा, गर्माइश नहीं दे। लेकिन बहुत सारे कोयले हैं, तो एक तो उनका सामूहिक प्रयास है, आपको वो बहुत ज़्यादा सुख देते हैं सर्दी में, और दूसरा वो एक दूसरे के साथ लग के लाल लाल चमकने दहकने लग जाते हैं, बुझते नहीं हैं। कभी ये कह रहा है, वो दहकने लग जाते हैं और उनका सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है और वो बुझते नहीं हैं। ये बात कह रहा है, दोबारा पढ़ता हूँ आपको। जाड़े के दिन थे, अंगीठी ताप तेज से चमक रही थी, हर कोयला लाल लाल रंग स्वरूप में टिमटिमा रहा था। यूं शामलात योगदान से दहकती अंगीठी का सुख सबको लुभा रहा था। दूसरा, जब समूची अंगीठी दहक रही थी। देखिए, रीजनिंग देखा, कभी यह साइंस था, मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी रहा है, जूलॉजी बॉटनी मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ी है। दूसरा, जब समूची अंगीठी दहक रही थी और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसी पर मैंने कविता लिखी है। जब समूची अंगीठी दहक रही थी, बड़ा प्रभावशील था तेज ताप अंगीठी का, शीत ऋतु के प्रकोप को ताप तेज रिक्त कर रही थी। सुखमय तपस्से काया मनुष्य की काया अति आनंदित हो रही थी। तीसरा, ताप तेज का सुख अनुभव न्यारा था। वो ताप तेज का सुख अनुभव न्यारा था, जिसे एक बखाना ना जा सके, ये जाड़े में सुख अत्याधिक प्यारा था। उस अंगीठी की जय हो, प्रत्येक प्रतिभागी लाल दमकते कोयले की जय हो। मैं भी वारी जाऊं, तू भी वारी जाए, इस अंगीठी का यह शामलात प्रयास बहुत हितकारी था। चौथा, देखो, अचानक सबसे बड़े लाल कोयले में अहंकार का भाव आ गया। अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा पर इतराने लगा, छोटे कोयलों के योगदान को नकार, उन्हें तिरस्कारने लगा। तभी किसी ने बीच बचाव किया, बड़े कोयले का बाहर अकेले दहकने दो, ऐसा सुझाव दिया। तुरंत एक दहकता बड़ा कोयला काली प्रस से ग्रस्त हो गया। ये कह रहा है कि उसको जब बहुत ज़्यादा लाल हुआ, तो बड़ा कोयला था, तो कभी ने क्या किया, उस कोयले को चिमटे से पकड़ के एक तरफ कर दिया, ये सोच के कि इसको अहंकार आ रहा है। और थोड़ी देर में ही वो अंधेरों की ग्रस्त में आने लगा। तो तभी किसी ने बीच बचाव किया, बड़े कोयलों को बाहर अकेले धकेलने दो, ऐसा सुझाव दिया। तुरंत एक दहकता बड़ा कोयला काली प्रत से ग्रस्त होने लगा, कुछ ही क्षण में राख बनकर बिखर गया, तेज तापहीन
हो गया और स्वयं ही निरस्त हो गया। अब आगे बोल रहा है, दो लाइनें हैं और फिर दो और मैं मूजवानी बनाऊंगा। अब इसे शीर्षक निकाल रहा क्या कहता, कवि कहता, परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र, सभी निजी सरकारी उपक्रम। अब ये कोयले की अंगीठी से कोयले से कम वो कर रहा है, एक मॉरल निकाल रहा है कवि, क्या परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र व सभी निजी व सरकारी उपक्रम अंगीठी की भांति तेज ताप से तभी देखते हैं जब शामलात योगदान हो। अंगीठी की भांति ताज तेज से तभी देखते हैं जब शामलात योगदान हो। अगर व्यक्तिगत प्रतिभा का अहंकार इनके किसी के मन में भी आ जाए, किसी के मन में भी कदाचित आ जाए, तो यही अहंकार इनका स्वयं का और इनके उपक्रम का मिट्टी में मिल जाने का कारण सिद्ध होता है। धन्यवाद।